हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े सरकारी नौकरी चैनल संदीप ज्ञान पे। और आज हम फिर आपके लिए एक सरकारी नौकरी लेके आए हैं। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और ऑल स्टेट का जॉब है, यानी कि सभी राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में डिटेल्स आपको पूरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पोस्ट डिटेल्स आपको बताएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम जानकारी दिखा रहे हैं। ये जो अधिसूचना है कल की डेट में जारी हुई अधिसूचना, आप यहाँ देख सकते हो। इस अधिसूचना में प्रत्येक वैकेंसी डिटेल्स आपको बताई है। प्रथम इसमें आपको बताई है कार्यालय यानी कि ऑफिस, परिचारी की पोस्ट है, रात्रि प्रहरी चौकीदार की वैकेंसी। कार्यालय में ये वैकेंसी है, जो सचिवालय ऑफिस है, सचिवालय जो भवन है उसकी यहाँ चौकीदार के लिए वैकेंसी है, जिसमें लेवल वेतन देख सकते हो 18,000 से आपका स्टार्ट होगा, 56,900। यदि हम बात करें टोटल वेतन तो 21,700 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें वेतन दिया जाएगा, जिसमें आपका ग्रेड पे भी मिलेगा और अन्य नियमानुसार अनुमान अन्य भत्ते भी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिलेंगे। तो सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, यदि आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म इसमें जरूर अप्लाई करें। इसके बाद 2 नंबर के वैकेंसी जो है दरबान, यानी कि ये भी ग्रुप डी की वैकेंसी है। दरबान ये भी 4th ग्रेड की वैकेंसी है, जिसमें भी वेतन आपको सेम बताया गया है कि आप 18,000 से लेकर 56,900 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। और ग्रेड पे और अन्य स्वीकृत भत्ते हैं वो भी आपको मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपको मिल रही है फ्रार्स, ये भी ग्रुप डी की वैकेंसी है और इसी के साथ देख सकते हो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें वेतन, और वेतन के साथ यहाँ डिटेल्स और भी आपको बताई गई है अन्य भत्ते संबंधी डिटेल्स। कार्यालय जो परिचारी यानी कि सफाई कर्मी की पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है, तो सफाई कर्मी की भी बम्पर पोस्ट 18,000 से लेकिन 56,900 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। नियमानुसार अनुमान अन्य जो भत्ते हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो प्रत्येक जो पोस्ट है यहाँ 5 प्रकार की जो पोस्ट है, जैसे कि का जो है फ्रास, सफाई कर्मी, माली, इन सभी में जो आपको वेतन मिलेगा 21,700 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें वेतन मिलेगा। तो ऑलरेडी वेतन प्रत्येक पोस्ट में आपको अच्छा मिल रहा है, 21,700 से लेके आपका इसमें वेतन स्टार्ट होगा, ग्रेड पे भी आपको इसमें मिलेगा और अन्य जो स्वीकृत भत्ते हैं, ड्रेस वगैरह के डिटेल्स, डीए वगैरह वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है माली की, तो माली के लिए देख सकते हो टोटल ऑफ जो आपको इसमें वेतन मिलेगा 18,000 से लेके 56,900 और 21,000 रुपये इसमें आपको वेतन मिलेगा, 21,700। तो ये है इसमें पेमेंट संबंधी डिटेल्स और जो पोस्ट थी हमारी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मली 10th पास है, यानी कि 10वीं पास है, केवल 10वीं पास है। 10वीं पास के साथ साथ होनी चाहिए साइकिल चलाने की क्षमता, यानी कि आपको साइकिल चलाना जरूरी है। इसके बाद हिंदी का बेसिक ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि आप को हिंदी आती है तो इसमें जरूर फॉर्म अप्लाई करें। इसके बाद में इसमें आरक्षण संबंधी डिटेल्स समझाई गई है कि स्टेट विशेष के कैंडिडेट्स को ही आरक्षण मिलेगा। इसके बाद में डिटेल्स इसमें बताई गई है कि उम्र सीमा आपकी क्या रखी गई है। तो इसमें जो उम्र सीमा है कम से कम, यानी कि 1 जनवरी 2019 को 18 और अधिकतम आपकी उम्र 42 या 37 वर्ष, या देख सकते हो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स पुरुष और महिलाओं के लिए 42 है, और जो जनरल अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला पुरुषों के लिए उम्र सीमा रहेगी वो रहेगी यहाँ आप देख सकते हो 40 वर्ष। तो ये है इसमें डिटेल्स एज क्राइटेरिया भी आपको समझा दिया गया है। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क 200 रुपये रखा गया है, यहाँ देख सकते हो आवेदन शुल्क केवल 200 रुपये आपका यहाँ रखा गया है। इन पदों के लिए अलग अलग आपका इंटरव्यू होगा, परीक्षा भी नहीं होगी। और यह देख सकते हो दिवांग SC ST और इसी के साथ जो अन्य जो जैसे कि जनरल OBC के लिए यहाँ 200 रुपये आवेदन शुल्क इस भर्ती प्रक्रिया का रखा गया है।
इसके साथ हम बात करेंगे। यहाँ देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी डिटेल्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आप ये सही जानकारी नहीं देते हो। तो यहाँ देख सकते हो प्रत्येक पोस्ट के लिए, जैसे कि प्रत्येक पोस्ट थी, पांच प्रकार की पोस्ट थी, पांच में से यहाँ देख सकते हो प्रत्येक ही हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ इसमें देख सकते हो मैट्रिक यानी कि 10वीं पास या समकक्ष, यदि आप 10वीं पढ़े लिखे हैं या इसके समकक्ष, मतलब समझते हो आप। इसके बाद हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो, यानी कि थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी आनी अनिवार्य है, क्योंकि कुछ फाइल ट्रांसफर भी आपको करनी पड़ेगी, यहाँ की जो वैकेंसीज है डॉक्यूमेंट ट्रांसफर की भी वैकेंसी है। और इसके बाद साइकिल चलाने की क्षमता है तो जरूर फॉर्म अप्लाई करें। तो मित्रों बड़ी वैकेंसी है, और यहाँ फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा वो डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। तो फॉर्म देख सकते हो 20/9 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट यह देख सकते हो 11/10/2019, यानी कि 11 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं जिसकी सहायता से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ और भी डिटेल्स काफी सारी इस रिक्रूटमेंट में आपको बताई गई है। तो यहाँ देख सकती हो वैकेंसी डिटेल्स, बिहार विधान परिषद .gov.in पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यह एक नंबर आपको बताया गया है, इस नंबर पे आप इस भर्ती प्रक्रिया की डिटेल्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। मेल आईडी आपको यहाँ बताई गई है, मेल आईडी डिटेल्स भी है, मेल आईडी से भी आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन।